हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफ हैप्पी लाइफ। दोस्तों कैसे हो आप सब? तो यहाँ पर मैंने तेल रख दिया है। मैं आज हरे प्याज की सब्जी बना रही हूँ। अभी इसमें मैंने जीरा डाल दिया है, इसमें थोड़ी सी राई डाल देनी है। और राई और जीरा हमारा पकने लगे तो इसमें हमें लहसुन डालना है और हरी मिर्च डालनी है। अभी ये लहसुन और हरी मिर्च हमारी पकने लगी है। अभी इसमें हमें प्याज डाल देना है। और अभी इसे भून लेना है। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक इसका पानी अलग ना हो जाए। तो देखिए इसका पानी सूखने लगा है। अभी प्याज हमारे बहुत ही कम क्वांटिटी में हो गए। प्याज को पकते देर नहीं लगती है, इसीलिए ये सब्जी बहुत ही झटपट बन जाती है। तो इसे इस तरह से भून लेना है अच्छे से ना। अभी इसमें मसाले करने हैं। हमने हरी मिर्च डाली है इसीलिए हल्दी पाउडर मैं कम ही डाल रही हूँ। लाल मिर्च भी हरी मिर्च की डाली है इसीलिए कम है। और धनिया जीरा पाउडर है और इसे मिक्स कर लेना है। और अभी इसमें हमें आलू मिक्स कर लेना है। तो आलू को मैंने बॉईल कर दिया है और उसके बाद इसको छोटा छोटा कट कर दिया है। और अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आलू बॉईल रहेंगे तो सब्जी बहुत ही झटपट बन जाती है। और अभी इसे थोड़ी देर के लिए हमें पकने देना है। नमक हमने अभी ऐड नहीं किया है इसमें। नमक हम जरा मसाला पक जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। तभी थोड़ी देर हो चुकी है, तभी इसमें हम नमक डाल देते हैं। और इसे मिक्स कर देना है। और बस अभी हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है। तो इसे ढक के गैस की फ्लेम में ऑफ कर देती हूँ और इसे ढक के रहने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफ हैप्पी लाइफ। दोस्तों कैसे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अभी मैंने आलू और हरे प्याज की सब्जी बना दी है। तो चलिए अभी मैं जो रेसिपी बना रही हूँ वो मेरी और मेरे बच्चों की फेवरेट रेसिपी है, साबूदाना चाट। तो आप इसे ज़रूर से बनाइएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा और उसे लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साबूदाना चाट बनाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है और देखिए मैं आज साबूदाना चाट बना रही हूँ। तो जिसके लिए यहाँ पर साबूदाना भिगा दिया है और ये बहुत ही खिले खिले साबूदाने हमारे रेडी हुए। तो अगर ये कैसे मैंने भिगाया ये जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आपको ये प्रोसेस बता दूंगी कि किस तरह से साबूदाने भिगाने हैं। तो अभी इसमें हमें जीरा डालना है। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अभी गैस की फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है। क्योंकि बच्चों को साबूदाना चाट खाने की, इसीलिए मैं साबूदाना चाट रेडी कर रही हूँ। और जीरा और हींग डाल दी है। इसमें हरी मिर्च कड़ी पत्ता डालना है। और हरी मिर्च जैसे ही फूटने लगे इसमें हमें साबूदाने ऐड करने हैं। और सारे साबूदाने हमें इसमें ले लेने हैं पहले ही। और अभी इसे मिक्स कर लेना है।
इसमें मैं पहले नमक मिक्स ऐड कर देती हूँ ताकि जब भी हम मिक्स कर ले तो अच्छे से मिक्स हो जाए। और अभी इसमें चीनी भी हमें अभी डाल देनी है। नींबू हम सबसे आखिर में डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे, लेकिन चीनी अभी हम डाल देते हैं ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और मेल्ट भी हो जाए। और अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी ये हमारा बहुत ही अच्छे से मिक्स हो कर दिया है मैंने। अभी इसमें हमें आलू ऐड करने हैं। आलू मैंने बॉईल कर दिया है, तो बॉईल आलू ही लिए हैं मैंने। ये आप बॉईल करके डालना चाहो तो फिर भी, और आप कच्चे आलू पहले पका लो और उसके बाद इसमें डालना चाहो, आपकी मर्जी है, आप जिस तरह से इसे मिक्स करना चाहो। तो अभी मैं आलू को साबूदाने के साथ अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो अभी इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी इसमें हमें ये मसाले वाली सीख मैंने रेडी की है, जिसमें सारे मसाले हैं, हल्दी, नमक, धनिया, जीरा पाउडर, और अभी उसे डाल देना है। मैं थोड़ी सीख नहीं डालती हूँ, थोड़ी मैं चाट बना रही हूँ उसमें मैं डालने वाली हूँ। अभी इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो इसे मैंने साबूदाने के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी थोड़ी सी सिंग में ऊपर से डाल देती हूँ और इसे ढक के हमें थोड़ी देर के लिए पकने छोड़ना है। और सबसे आखिर में हमें धनिया पत्ती डाल देनी है। तो फ्रेंड्स, हमारी साबूदाना खिचड़ी इंस्टेंट रेडी हो चुकी है। अभी हम साबूदाना चाट बनाने की तैयारी करते हैं। मैंने साबूदाना की खिचड़ी ले ली है। अभी इसके ऊपर हमें ये हरे धनिया की चटनी डालनी है। मेरे बच्चों को ये साबूदाना चाट बहुत ही पसंद आती है। अभी इसमें चीनी वाला दही लिया है मैंने, इसे डालना है। इसके ऊपर अभी हमें मसाला सेम डाल देनी है। फिर हमें मैंने ये आलू का जो चिवड़ा आता है वो लिया है, वो डालना है। थोड़ी धनिया पत्ती डाल दीजिए, फिर से थोड़ा दही डाल दीजिए। ये बहुत ही टेस्टी चाट लगती है फ्रेंड्स। एक बार इसे इस तरह से बनाइएगा और इसे एंजॉय कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और चटपटी सी चाट रेडी होती है। अगर आपको साबूदाना खिचड़ी नहीं खानी है, आपको नहीं पसंद आ रही है, तो आप इस तरह से चाट रेडी कीजिए और इसे एंजॉय कीजिए। तो आप लोग भी खा लीजिए दोस्तों, मेरे बच्चों की फेवरेट साबूदाना चाट। तो चलिए अभी मैं बच्चों को खाने के लिए दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की दो रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। और अभी वीडियो एंड करती हूँ मैं यहाँ पर ही। तो अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरी चैनल सिंपल लाइफ हैप्पी लाइफ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कल फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।